फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। मैं हुई सर, आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स तो आज हम बात करेंगे जो CHU की 2700 पोस्ट आई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, उसकी आखिर कंटिन्यू रहेगी कि नहीं वो वैकेंसी, और यहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन के कैंडिडेट कैसे अप्लाई करेंगे और अप्लाई कैसे करना है, आपको हर एक डिटेल के बारे में इस वैकेंसी में जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये CHU की वैकेंसी में कुछ ऐसा हो गया है कि जितने पास आउट कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट है वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभी जो करेंट पास आउट स्टूडेंट है उन्हीं के पास ये सर्टिफिकेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके में CHO जो सिलेबस है उनके फोर्थ ईयर में ऐड हो चुकी है और वो जस्ट अभी पास आउट हुए हैं। लेकिन ऐसा भी है कि उन कैंडिडेट में रजिस्ट्रेशन नहीं की प्रोसेस अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने फॉर्म जब भी ये स्टार्ट होगा उसके बाद पोस्टिंग वगैरह के बाद 45 डेज़ के टाइम दिए हुए हैं। तो पूरी डिटेल बात करेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में डेली डेली न्यू अपडेट, न्यू वैकेंसी, रिजल्ट, एग्जामिनेशन सभी के बारे में आपको खबर मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स आपको इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस ऑफिशियली वेबसाइट cghealth.nac.in पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद ये जो है छत्तीसगढ़ की ऑफिशियली वेबसाइट है मेडिकल की, तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप ये नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा ये वाला पेज मिलेगा, ये जो प्रीवियसली वैकेंसी का है और ये वाला जो है अभी का है हमारा, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अप्लाई करने के लिए, जिन्होंने BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, ठीक है, रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 5 नवंबर 2021 से 25 नवंबर शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से आप अपना विज्ञापन देख सकते हैं, जो सूचना है यहाँ से, जो इन्फो बोलते हैं ना नोटिफिकेशन, वो देख सकते हैं टोटल कितना पोस्ट किस में है, और ये अप्लाई नाउ पे आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार नोटिफिकेशन को भी दिखा देते हैं आपको। फ्रेंड्स ये रही हमारी नोटिफिकेशन, ऑन हो चुकी है, और ये जो वैकेंसी 3 नवंबर को आ चुकी है। यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधिकारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है, यहाँ पे 5 से 25 नवंबर तक के टाइम है। तो टोटल पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2700 टोटल पोस्ट है, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे अलग अलग है। टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट से ये आई हुई है, 5 जगह से, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट देखेंगे तो आप ये है कैटेगरी वाइज पोस्ट आपका डिवाइडेड है, और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो सारी एक एक डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जो है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए जो टाइम देंगे वाली बात वो यहाँ पे लिखी हुई है, वो दिखा देते हैं। 45 डेज़ का आपको टाइम देंगे अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अच्छा हाँ, और जिन स्टूडेंट्स अभी से अभी पास आउट है वो अपने कॉलेज में जा करके ये पेज को इस PDF से निकाल के इसमें अपना प्रिंसिपल का साइन सील लेकर के ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करने के लिए स्पेस दिया है आपके फॉर्म में। ऑनलाइन फॉर्म जब भरोगे आप तो इसकी नीड पड़ेगी, तो आप जिस कॉलेज में आप पास आउट हैं वहाँ से आप इसको सील और साइन करवा के ले आइएगा, फिर आप अप्लाई करना शुरू कीजिएगा। जो 45 डेज़ की हम बात करें, आवेदन ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है यहाँ पे दिया है पूरा डिटेल, और कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है उसके बारे में भी दिया है यहाँ पे। तो नियम और शर्तें हैं कुछ, फिर यहाँ पे आपकी एज जो है 35 ईयर्स तक के होने चाहिए। $16,500 यहाँ पे सैलरी रहेंगे, फिर वो 15,000 इंसेंटिव भी मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रही अभी कि 45 डेज वाली, लेकिन है इस PDF में, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मेरे को अभी दिख नहीं रही है, और ऐसे देखूँगी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, इसमें दिया हुआ है कि 45 डेज़ का आपको टाइम देंगे करके रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए ले चलते हैं आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसकी ओर। तो फ्रेंड्स आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कीजिएगा। अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई सेंटर अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा,
इस पेज में आपको पूरा एक एक डिटेल भरना है, जो जो यहाँ पे रेड स्टार बने हैं ना उसको भरना ज़रूरी है, इसके बिना आपके फॉर्म आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर आप पूरा भरने के बाद आपको ये पूरा भरने के बाद आपको सेव में क्लिक कर देना। अगर कुछ भी दिक्कत है तो कैंसिल कर देना, नहीं भरना होगा तो। और पूरा सही सही भरने के बाद इसमें सेव पे क्लिक करना है। अच्छा, आप अगर ऐसे ही सेव पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इतने सारे इंटरफेस आएंगे कि क्या क्या भरना है आपको। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट पोस्ट नेम को सेलेक्ट करना है, एग्जामिनेशन सेंटर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, सेलेक्ट डेट, कैटेगरी, जेंडर, आइडेंटिटी प्रूफ और मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सारी चीज़ ज़रूरी चीज़ है। और साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं इस पर क्लिक करना है, और एक्स सर्विसमैन वगैरह, तो पेमेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब, ये सारे में जब आप क्लिक करेंगे तभी आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो पाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा एक एक कॉलम को सही सही भरना है, और सही भरने के बाद आप यहाँ पे सेव सेव नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपका आगे का प्रोसेस पेमेंट का प्रोसेस होगा, जिसमें ST SC OBC सभी के लिए अलग अलग फीस है। OBC जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपीज़ है, और ST SC के लिए 100 है, बाकी सभी के लिए जो है 200-300 तक के फीस लगेंगे। तो आप देख लेना, और कुछ भी दिक्कत हो तो आप बताइएगा कमेंट करके, हम उसको सॉल्व आउट करने की ट्राई करेंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी पास आउट है 4th ईयर के, वो इस वैकेंसी को अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे अच्छा गोल्डन चांस आपके लिए नहीं आने वाली है। और ठीक है, और जल्दी से जल्दी हो सके तो सभी कॉलेज से मैं बोलूँगी, कॉलेज वालों को बोलूँगी कि जल्दी से जल्दी हो सके बच्चों का रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप भी अपने टीचर्स को जल्दी से जल्दी बोलें, ताकि टाइम रहते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो सके और आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कोई भी दिक्कत रहे तो। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अभी अप्लाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।